नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अभी अपन जो चल रही है PYQs की सीरीज, जिसमें अभी तक अपन चैप्टर 1 से लेकर 9 तक PYQs कर लिए हैं। आज अपन करेंगे चैप्टर 11 के PYQs। चैप्टर नंबर 10 वो मैंने छोड़ दिया, ये पहले चैप्टर 11, 12, 13, 14 थोड़े छोटे चैप्टर, इनके PYQ जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 के PYQs, पिछले 11 साल के 2013 से 2023 तक। और ये PYQs बोर्ड में लगभग रिपीट भी होते रहते हैं, आप ये करके जाओगे तो बोर्ड में, और अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो आप ये PYQs करने के बाद कर लोगे। बाकी हालांकि बोर्ड में जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं, आप पुराने पेपर देखना एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर मतलब 2023 से। तो 2023 में ऐसे एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा देखिए, डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसका आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। तो डी ब्रॉय जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला वो याद कर लीजिए, अगर आपको वोल्टेज गिवन है तो सीधा 12.27 अपॉन रूट भी एंगस्ट्रॉम, 12.27 बटे रूट भी एंगस्ट्रॉम, ये तो एंगस्ट्रॉम में। अब यहाँ सारे ऑप्शन नैनोमीटर के अंदर, तो इसको नैनोमीटर में चेंज करोगे तो बन जाएगा बच्चों 1.227 अपॉन रूट भी नैनोमीटर। तो आप वी की वैल्यू पुट करो, रूट 100 कितना होगा 10 होगा, 10 से डिवाइड लगाओ तो आ जाएगा 0.1227 नैनोमीटर। तो जी किस में आ रहा है, 0.1227 नैनोमीटर आपका ऑप्शन सी में आ रहा है 1 2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बात क्लियर हो गया। सिर्फ आप इस देखो, ये फॉर्मूला बोर्ड में ये न्यूमेरिकल ऐसे इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज, देखिए न्यूमेरिकल बहुत बार बोर्ड में आप आगे देखें बहुत बार पूछा। तो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, सीधा आप याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पूछा हुआ, डिफाइन द फॉलोइंग इन फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना, कौन कौन सा वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार बता दो आप, वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन तीनों के आप डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम में पूछता रहता है इनमें से। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालने वो चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये लिखना आपको, तो क्या लिखोगे, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसका जो फॉर्मूला भी याद कर लो, फॉर्मूला क्या होता है, सारा फॉर्मूला की जरूरत नहीं मैंने बता दिया, फाइ नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, वेर एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, और न्यू नोट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सर्फेस से बाहर आ जाए। ये भी आगे करने वाले अपन, क्लियर। तो ये तो क्या वर्क फंक्शन डेफिनेशन, साथ फॉर्मूला भी याद कर लो, फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल आता है। अभी बात करेंगे आगे, या तो न्यू नोट की वैल्यू देखे फाइ नोट पूछता है या फाइ नोट की वैल्यू देखे न्यू नोट पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सेकंड डेफिनेशन किसी बताने आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मतलब वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कटिंग वोल्टेज भी कई बार बोलते हैं। तो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंसिडेंट जो रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, बस आपको यहाँ डेफिनेशन लिख के आनी थी। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 ही आएगा ना, अभी बात कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2023 क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो याद कर लो, 2. अगर आपको वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है 5.16 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, डेटा फिक्स है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ। चलिए यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन देखे क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो अभी फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, ये फाइ नॉट गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो लगा दो फॉर्मूला ये वाला, फाइ नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, न्यू नॉट फाइंड आउट, तो फाइ नॉट बाई एच। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, फाइ नॉट के लिए 2.14 गिवन है और 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब नीचे डेटा पुट कर रहे हो प्लैंक कांस्टेंट वो लिख रहे हो 6.63, मैंने 6.62 ले लिया, डेटा को थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऊपर इवन नंबर काटने पड़ेगा, आप चाहो तो इसको 6.63 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे डेटा मैंने यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकंड होती है प्लैंक कांस्टेंट की, और ऊपर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको इसको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको अपन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोल्व कर लो, अब सोल्व करोगे तो ये बात ध्यान रखना बस कन्वर्जन का,
तो आपको आंसर मिलेगा 5.16 × 10^14 हर्ट्ज आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये थे बोर्ड एग्जाम 2023 के तीनों क्वेश्चन, दो डेफिनेशन और दो न्यूमेरिकल हो गए, देखे जाए एक ऑब्जेक्टिव और ये भी न्यूमेरिकल। ठीक है, इस चैप्टर से बोर्ड न्यूमेरिकल आते भी है। आगे बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है। इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द करेक्ट ग्राफ बिटवीन कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपको बताता हूँ, देखिए सीधा सीधा, अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो और यहाँ पे ले लिया हमने वोल्टेज और यहाँ पे ले लिया करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट, तो ग्राफ कुछ बनता है, आई और ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है, बात क्लियर। इस वाले वोल्टेज को बोलते हैं माइनस वी नॉट, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वोल्टेज। अब आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे फ्रीक्वेंसी को सेम रखे तो क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, बात क्लियर। ऐसा ग्राफ आता है, ये कब है, फ्रीक्वेंसी सेम हो और इंटेंसिटी चेंज कर दो, अगर अपन इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिटी आई और स्मॉल आई फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ कर तो ग्राफ आता है ऐसे, आगे आएगा भी, बात क्लियर है। और अगर अपन क्या करें, इंटेंसिटी सेम रखे और फ्रीक्वेंसी चेंज कर तो ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे ग्राफ बनते हैं, ऐसे ग्राफ बनते हैं, आपने बुक में देखे होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, लीनियरली। तो ये ग्राफ आपको आने से, इनमें से एग्जाम में ग्राफ पूछ भी सकता है और कई बार पूछे, और यहाँ ऐसा ही ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटेंसिटी डिफरेंट करनी है, तो यहाँ पे देख लो आपका फर्स्ट ग्राफ इसका सही हो गया, यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक करंट हो गया और एक इलेक्ट्रिक प्लेट पोटेंशियल जिसको अपन एनोड पोटेंशियल भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये बताइए आपको एक बनता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, और ये तो होता नहीं है, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बात क्लियर है। तो सीधा आप जो ग्राफ है, ग्राफ ध्यान रखना, इनसे आपसे एग्जाम में ग्राफ बनवा भी सकता है, ऐसे ग्राफ देके आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, जो भी ग्राफ, इसके तीन चार मेजर ग्राफ हो आप उनको पता होने चाहिए, आगे ग्राफ आएंगे भी, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैसे तो डेविसन जनरल एक्सपेरिमेंट अभी सिलेबस से हटा दिया, बस मैंने ऐसे ले लिया, इसको कई बार पूछा है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बोर्ड एग्जाम 2024 के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी ने हटा दिया था और बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दी वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये था सीज डेविसन एंड एलएच जर्मर, ऑप्शन बी। कई बार इसमें ये पूछता है, मतलब व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये था टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट सिलेबस के अंदर मैंने क्वेश्चन ऐसे ले लिया, ऐसे बताने के लिए बस, कि एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी होता था पहले, ठीक है। लेकिन आप इसको चैप्टर 12 ना वहां दे रखा है डीप ब्रो, थोड़ा सा वहां इसको बता रखा, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन ले लिया, तो ये सिलेबस में से नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बोला है यहाँ पे, इफ डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ऑफ टू पार्टिकल्स आर इक्वल देन देयर डीप ब्रो वेवलेंथ विल बी इक्वल। तो देखो डी ब्रॉय वेवलेंथ का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एच बाई पी, ठीक है। अगर दो पार्टिकल पी मोमेंटम सेम होगा, भाई एच तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम के ऊपर। अगर मोमेंटम भी सेम होगा तो डी ब्रॉय वेवलेंथ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे इफ मोमेंटम, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, इफ मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल्स आर इक्वल देन देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ विल बी इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, क्या बात क्लियर है। तो इसका आंसर होगा मोमेंटम। अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता रहता है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ढंग से करके जाना है, एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए 2024 के लिए और आगे भी, जब भी आप देखो ये PYQs है ना। तो आगे क्वेश्चन है, बाई राइटिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले बात करते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, उसको देखो सीधा से याद रखिए, इसको आप सीधा से याद कर लीजिए कि जब फोटोन आएगा तो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को मारेगा तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और बची हुई एनर्जी इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बस यही है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन वर्क फंक्शन एंड सेकंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बस ये आपको लिखना है, तो एनर्जी ई इज इक्वल हो जाएगा फाई नॉट, क्या हो जाएगा, ई
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, फाई नॉट प्लस में क्या हो जाएगा आपका के मैक्स। अब इसके बाद आप जो चाहो लिख सकते हो। तो ये बात आपको यहाँ बतानी, मैंने डायग्राम कैसे बता दिया, ये मेटल मान लीजिए, अज्यूम कर लो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आया, इसकी एनर्जी क्या एच न्यू है, कुछ एनर्जी किसमें जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले, यहाँ से सरफेस तक लाने में वो फाई नॉट हो जाएगी, और बची हुई किसमें जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर, वी को मैंने बोल दिया वी, यहाँ पे वी यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो ये डायग्राम समझा दे भाई, थोड़ा डायग्राम से फील आ जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दी एनर्जी ई ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, फर्स्ट वर्क फंक्शन एंड सेकेंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस आपने लिखा, अब देखो ई होता है एच न्यू, फाई नोट एच न्यू नोट, वर्क फंक्शन के मैक्स, तो यहाँ से के मैक्स ये आ जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना तो के को लिख दो आप, हाफ एम स्क्वायर लिख दीजिए या आइंस्टाइन, और अगर ये हो गया, अगर इसी को आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में बताना हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नोट, इससे भी बोर्ड में न्यूमेरिकल आते रहते हैं, यानी वी नोट ये के मैक्स देखे, वी नोट देखे के मैक्स पूछ ले, के मैक्स देखे वी नोट पूछ ले, ऐसे सवाल आए हुए बताएंगे आगे। तो यहाँ आप केमेक्स को क्या लिख सकते हो, ईवी नोट लिख दो, तो यहाँ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नोट के इक्वल हो जाएगी, न्यू की वैल्यू न्यू नोट इक्वल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से छोटा मोटा बना सकता, क्लियर। अब यहाँ इसके बेस पे क्या आपको डिफाइन करना है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे है ना, इंसिडेंट ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, न कि इंटेंसिटी के ऊपर, फर्स्ट तो ये। और सेकंड बात बताओ यहाँ पे कि आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ ऐसा लिख दूं मैं एच कॉमन लिख दूं, न्यू माइनस न्यू नोट, अगर आप ये बताइए न्यू की वैल्यू न्यू नोट से कम हो गई, अगर न्यू की वैल्यू इस नोड से कम हो जाएगी तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। भाई सीधी बात है, एच न्यू माइनस न्यू नोड होगा, अगर न्यू इससे कम है न्यू नोड से तो ये के की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। और क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा होनी चाहिए, बात ये। तो ये आपको दो बात यहाँ से बता देनी है इसकी, ये तो पूछा ना आगे क्वेश्चन, किसने पूरा पढ़ा ना, एक्सपेन एनी टू ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो बातें आपको थ्योरी अलग से याद नहीं करनी है, अगर आपने इक्वेशन लिख लो तो इक्वेशन को देख के आप थ्योरी इजीली लिख सकते हो, जो मैंने दोनों बातें बताई कि फर्स्ट तो कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और दूसरा अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो जो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। ये दो बातें आपको बता देनी है, तो ये मैंने नीचे लिख के आपको दे दिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये बात जो बोल दी, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन केमैक्स नेगेटिव विच इज इम्पॉसिबल, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव विच इज इम्पॉसिबल, सो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो लाइट आ रही है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन से कोई एरा गैरा आदमी नहीं है, उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उससे कम है वो लड्डू चाहिए उसको जिससे वो बाहर आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे ज्यादा लड्डू है कोई बात नहीं काम चल जाएगा। चलिए तो ये तो हो गया, ठीक है, अगला एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे केमैक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, न्यू के ऊपर, फिर न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट लाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। केमैक्स क्या होता है, केमैक्स होता है ई वी नोट, जो रिलेशन केमैक्स का वही रिलेशन वी नोट का होता है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बात क्लियर है। मतलब बात यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर न कि इंटेंसिटी के ऊपर, आगे बात समझ में, फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा लीनियरली। बात क्लियर है? ये हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये न्यूमेरिकल जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर आया था, जो क्या बोला है, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर भी था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है 2022 का न्यूमेरिकल, छोटा सा वही। कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ये आपका अभी कल 2023 के अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है वहां पे, और वहां वहां पे ऑब्जेक्टिव था। तो क्या था, सिंपल सा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये बोर्ड का फेवरेट रहा है ये। तो यहाँ जब भी ये गिवन हो तो इसका फॉर्मूला रट लो, कितना होता है 12.27 बटे रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो आपको आंसर एंगस्ट्रॉम लिख देना, तो ये आ गया 1.227 एंगस्ट्रॉम। अगर मीटर में लिखना तो क्या लिख दो, मीटर में आंसर आएगा 10 to the power minus का 10 मीटर। भाई एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 to the power minus का 10 मीटर होता है। तो आप एंगस्ट्रॉम में आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था 2022 के, जो 2023 में रिपीट भी हुआ। ठीक है, तो ये थे 2022 के क्वेश्चन। आगे अपन आ जाते हैं 2021 के अंदर, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा है द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम फॉर ए फोटोन इज, यानी फोटोन का मोमेंटम क्या होता है। बच्चों फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है P = h/λ, याद कर लो। यहां से फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h/λ। कई बार क्या करते थे, एच और लेमडा होता है आपका C/ν होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है h/ν/c, क्या बन जाएगा, या तो h/λ या h/ν/c इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और h प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये h/λ, या ये भी ऑप्शन में दे सकता है h/ν/c, h/ν/c वेयर ν इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्लियर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ लिया, h/σ/λ ऐसे फॉर्मूले पूछ सकता है ना। तो यहाँ h/λ मोमेंटम, तो h/λ, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h/ν/σ/λ, न्यू फ्रिक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ भी बोला है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन बाई ए मेटल इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी गिवन हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा, उसका ई हटा देना, क्या हटा देना, तो 2.2 वोल्ट। या फॉर्मूला देख लो, केमेक्स क्या होता है, ई वी नोट, केमेक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन, और विनोट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से केमेक्स कितना गिवन है आपको, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई विनोट की वैल्यू गिवन है, तो ई से ई कैंसिल आउट, तो यहाँ से विनोट क्या आएगा, 2.2 वोल्ट। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 2.2 वोल्ट। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, 2.2 वोल्ट, बोलो क्लियर है। तो केमेक्स होता है ई वी नोट, वेर वी नोट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपसे पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। तो क्या होता है, जब किसी आप मेटल सरफेस पे लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, फुर फुर बाहर आ जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। आप ऐसे लाइट, जैसे मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, इस पे लाइट आएगी, इस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, यही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन जो लाइट है उसकी एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर आप लाइट डालते हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला नहीं है, उस सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको बताना है, और इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी किया था, अभी ऊपर ग्राफ ड्रॉ भी किया था, नीचे और बता देंगे। तो यहाँ तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन आप याद ही कर लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात क्लियर है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो क्या होगा, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, अगर इंटेंसिटी जीरो तो करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। बात क्लियर है, तो ये बन गया ग्राफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड बोर्ड एग्जाम 2021 का। आगे अपन आ जाते हैं 2020 के अंदर। 2020 में एक दो क्वेश्चन और थे, वो डिविजन जर्मे के, तो मैंने हटा दिया, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बाकी मैंने एक क्वेश्चन लिया जो सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट क्या है, वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट एनी टू रीजंस। यानी ये बतानी, ये पूछना ही चाह रहे हैं कि वेव थ्योरी के बेस के ऊपर अपन
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा सकते, यानी वे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी समझा सकते हैं जब ये मान ले कि लाइट की पार्टिकल नेचर, लाइट की डू नेचर है ना, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ऐसा दो है वेवोटेक्स चैप्टर 10 के अंदर। तो यहाँ पे यानी अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी समझ सकते हैं जब ये मानेंगे कि लाइट की नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर, न कि वेव नेचर। यानी वेव नेचर के बेसिस को नहीं समझ सकते, क्यों? कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके पास मेटल सर्फेस है, क्या मान लीजिए, मेटल सर्फेस मान लो ये, और यहाँ से मान लो वेव आ रही है, वेव फॉर्म वेव फ्रंट के टर्म में आ रही है। अब क्या होगा, ये जो एनर्जी है इस सरफेस पे क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ बैठा है, वो बाहर आने के लिए उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उसको मतलब स्टोर करने में कुछ टाइम लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आने में कुछ टाइम ले लेगा, ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक तरह से एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है, ठीक है। इन लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन झट से बाहर आ जाता है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल है उससे ज्यादा है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो क्या लिखा, देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी द एनर्जी ऑफ लाइट वेव इज स्मूथली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एडवांसिंग वेव फ्रंट। ईच इलेक्ट्रॉन इंटरसेप्ट एंड इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी एंड सो इट शुड रिक्वायर फाइनाइट टाइम टू एस्केप फ्रॉम मेटल सर्फेस। मैंने बात बोली वही है। और यहाँ पे इन्होंने सेकेंड देखो, यहाँ पे क्या वेव थ्योरी भी मानती है कि लाइट की हर एक फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी सप्लाई कर सके। लेकिन अपन जानते हैं जो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं होता, ये बात यहाँ लिखी हुई है। नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ए लाइट वेव ऑफ सफिशियंट इंटेंसिटी और ए सफिशियंट टाइम शुड बी एबल टू इम्पार्ट थ्रू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। दस द वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरी है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर, अब आगे आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा था। तो क्या, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे वही क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर, यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको बोलना है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम की जगह अगर वेवलेंथ को लिखना है तो क्या लिखना, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, पता है रिलेशन, न्यू फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ दोनों होती है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से क्लियर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, याद कर लेनी है, पढ़ के लाना अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर ये लो, 2019, 2022, 2023 सेम क्वेश्चन तीन बार रिपीट हो रखा। देखिए, कैलकुलेट द डी ब्रॉ वेवलेंथ ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन से बोर्ड को कुछ ज्यादा ही प्यार है, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस देके इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉ वेवलेंथ पूछता है। तो आप फॉर्मूला याद करके जाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉ वेवलेंथ कहते क्या होती है, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो ये अपने ऑलरेडी कर लिया आप ऊपर, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आगे बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर क्या बोला है, व्हाट डज मीन बाय वर्क फंक्शन फॉर मेटल्स, वर्क फंक्शन कर लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर ये लो, बोर्ड का बहुत ही फेवरेट है, वोल्टेज चेंज किया है। तो क्या बोला, देखिए, फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटेड बाय 10^4 वोल्ट। पिछली बार 10^2 था, ये 10^4 हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैंने बोला ना बोर्ड का फेवरेट है इलेक्ट्रॉन, पता नहीं क्या इससे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही बोर्ड वालों को प्यार है, तो वो प्यार दिखाएंगे। क्या पता 2024 में अपना प्यार लुटा दे यहाँ पे, ये सवाल देखे तो इसको याद हो गया, अब थोड़ा याद हो गया ना। तो इसमें क्या, तो अब क्या क्यों वोल्टेज की बना, ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर लो, 10^4 बाहर 10^2 100 से भाग दो तो 0.1227 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्राइव आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन क्या है यहाँ से, अच्छा, ड्राइव एंड एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद हेल्प ऑफ दिस एक्स इक्वेशन। कर लिया अपने अभी 2022 के अंदर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दिख रहा है अब, तो दिख रहा है ना।
जो बच्चा 2022 में पीआई क्विज करके गया होगा उसको क्वेश्चन नंबर मिल गए, वो सारे सारे देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला 2022 ये 18 का हो गया, आगे अपन कहाँ आएंगे 2017 के अंदर आ जाते हैं। 17 में देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17 में क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटोन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन ऑफ दीज पार्टिकल हैज लार्जेस्ट डी ब्रोई वेवलेंथ। ये पूछ रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटोन। ये तो पता ना इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, अल्फा का मास प्रोटोन का 4 टाइम होता है, ये पता हो ना, 4 गुना होता है प्रोटोन से, तो ये यहाँ काम आएगा भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और पूछ रहा क्या रहा है किसकी डी ब्रोई वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी। तो यहाँ आपको डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है पूरा बताता हूँ। डी ब्रोई वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एच बाई पी होती है, एच बाई पी, पी को अपन एम वी लिखते हैं, वेर एम मास वी वेलोसिटी हो जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आती है रूट के अंदर 2m क्या आती है, ठीक है। और इसको वोल्टेज में लिखना है, k की जगह q भी रखेंगे, तो यहाँ पे ये k के रूप में तो क्या आएगी h अपॉन रूट 2m की। अब देखिए h तो प्लैंक कांस्टेंट है, k सेम कर रहा है, क्वेश्चन में सेम कर दिया, तो आपका लेमडा किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मास के ऊपर। तो पता होगा आपको सबसे ज्यादा मास किसका होगा, अल्फा का, फिर प्रोटोन और फिर इलेक्ट्रॉन। तो जिसका मास सबसे कम उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ सबसे क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि भाई इनवर्स ही रेसिप्रोकल है। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम तो उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, बात क्लियर है। अब आपसे ऑर्डर पूछे तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये मैंने ऑर्डर बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की आ रही है, तो आंसर क्या होगा इसका, हेंस इलेक्ट्रॉन हैज लार्जेस्ट डी ब्रोई वेवलेंथ, ठीक है, इस फॉर्मूले से। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। जिसका मास सबसे कम होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, जिसका मास सबसे कम उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, क्लियर है। आगे इसका क्वेश्चन क्या है 17 का, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बात क्लियर, अपने डेफिनेशन थी, डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया 2021 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर आगे इसमें क्वेश्चन अटैच और ऑन विच टू फैक्टर्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स, यानी किन दो फैक्टर के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो किस पर डिपेंड कर रहा है, देख लिया अपन ने, इंटेंसिटी के ऊपर, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सेकेंड डिपेंड करता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जो कैथोड और जो एनोड होता है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके बाद नेचर ऑफ कैथोड पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट द इंटेंसिटी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड एंड द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, कैथोड का मटेरियल क्या उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। मैंने 3 बता दिया यहाँ पे आपको, 2 ही, तो 2 याद कर लो, एक इंटेंसिटी के ऊपर और एक कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ पे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर ही लिया था और इसके दोनों के आंसर मैंने आपको बताई दिए। देखो यहाँ बच्चों बीच में मार्क्स लिखा होता है 1+0.5+0.5, इन नंबर की इस टाइम ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा हुआ था। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आसान। आगे आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर, देखो यही क्वेश्चन नंबर 2016 वाला पूछा 2023 में, कैसे पूछा, वहां 23 में पूछा वर्क फंक्शन देखे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखे वर्क फंक्शन पूछ रहा है, बस ये क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन जो 2023 में करके गया उसको पता होगा, या तो उल्टा घुमा के पूछ लिया, तो बस आ जाइए 2016 में क्वेश्चन पहले पढ़ तो लो क्या है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम मेटल इज 5.16 × 10⁴ हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, डिटरमाइन इट्स वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें निकालना है इसका वर्क फंक्शन, अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है, तो वर्क फंक्शन एनर्जी है, जूल ऐसा यूनिट है, लेकिन जनरली इसको अपन किसमें कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कैलकुलेट करते हैं, बात क्लियर है। तो मैंने बोला ना फाइन आउट, अगर आप फ्रीक्वेंसी देखे वर्क फंक्शन पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, ये तो गिवन है, फाइन आउट पूछा है, तो फाइन आउट होता है एच न्यू नॉट, तो यहाँ से एच की वैल्यू पुट कर दी, एच प्लैंक कांस्टेंट याद होना चाहिए 6.63, ये एग्जाम में कई बार दे भी देता है कई बार नहीं भी देता है, तो याद कर लो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट अभी कई बार आ गया 6.63 × 10⁻³ जूल इंटू सेकंड, विद यूनिट याद करना है, ये एसआई यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकंड, और ये फ्रीक्वेंसी जूल एसआई के अंदर, सॉरी हर्ट्ज के अंदर, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो गया जूल, लेकिन पूछा है किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल को
अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करोगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देता हूं। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भाग लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। बात क्लियर है? तो ये काम किया है जूल, देखो मैंने डिवाइड लगा दिया आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको सोल्व करना है तो फ्रीक्वेंसी अगर ये होती है तो वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीजियम का सबसे मिनिमम होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, और प्लेटिनम का सबसे मैक्सिमम होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम किसका? सीजियम का। कितना ये आ गया? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मैक्सिमम किसका? प्लेटिनम का। कितना? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या वर्क फंक्शन, क्या मैक्सिमम मिनिमम वर्क फंक्शन। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज, कर लिया अपन ने, डेफिनेशन 2023 में ही कर ली थी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन अटैच हो रहा है, जो ग्राफ मैंने पहले शुरू में बता दिया, ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है, स्टार्टिंग में बता दिया था। ग्राफ क्या पूछा? देखिए, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर टू इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। ग्राफ मैंने करवा दिया 2022 का, जो ऑब्जेक्ट उसी के अंदर मैंने बता दिया था। चलो आ जाओ फिर भी बता देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, क्लियर है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये लो, अगर आपकी देखिए ये पॉइंट तभी लेगा ये वाला जब फ्रीक्वेंसी चेंज करे, जब तक फ्रीक्वेंसी सेम है, जब तक फ्रीक्वेंसी सेम है तब तक ये पॉइंट हिलने वाला नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट तभी हिलेगा जब फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ होगी। बात क्लियर है? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो की है, तो ये आपको ग्राफ ऐसे बना देना है। ये कैथोड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, और आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस के ऊपर। और इधर क्या होता है? इधर होता है नेगेटिव पोटेंशियल, इसको अपन रिटार्डिंग पोटेंशियल भी, इधर क्या बोलते हैं ये वाला रिटार्डिंग, इसको क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल को। बोलो क्लियर हो गया 2016? क्लियर है? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आसान क्वेश्चन, इस चैप्टर जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब लग रहा होगा अगर आप सारे क्वेश्चन करके जाओगे तो वो 2024 भी आपका हो जाएगा, और आगे भी जब भी आप पीवाई क्विज देख रहे हो तो भाई पीवाई क्विज आगे भी काम में आएंगे। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2015 में क्या पूछा है? ओ देखो, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, कई बार पूछा है, 16 में पूछ लिया, बाद में पूछ लिया, कई बार पूछा है, ठीक है। तो डिफाइन ये अपना हो गया कट ऑफ पोटेंशियल विद रेफरेंस टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बता दिया। बोलो क्लियर है? हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा है? द वर्क फंक्शन, सॉरी द वर्क ऑफ ए मेटल, सॉरी आपने लिखा नहीं पूरा, ये वर्क यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, क्या पूछा है यहाँ पे? ये पूरा क्या लिखा है यहाँ पे? वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन की बना, द वर्क फंक्शन है ना, फंक्शन आप एड करना, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, यानी वर्क फंक्शन गिवन है, कैलकुलेट इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। मैंने बोला ना कि फाई नोट देके या तो न्यू नोट पूछेगा या न्यू नोट देके फाई नोट पूछेगा। बोलो क्लियर है, आ रहा है कॉन्फिडेंस? तो यहाँ पे फाई नोट गिवन है, न्यू नोट पूछ रहा है, न्यू नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। तो लगा दो फॉर्मूला, फाई नोट क्या होता है? एच न्यू नोट, तो यहाँ से न्यू नोट क्या आ जाएगा? फाई नोट बाई एच, और एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। यहाँ वैल्यू दिमाग से पुट करना, 6.62 ही करना, 3 मत करना। फायदा क्या होगा? देखो ये पॉइंट पॉइंट कट गया और इससे दो बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फायदा है। तो मैंने इसीलिए वैल्यू पुट किया 6.62, अब इससे दो बार कैंसिल आउट, फिर 2 से 1.6 0.8 टाइम, 0.8 इंटू घातों का अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट, अच्छा हाँ ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, घातों को सोल्व करो तो कहते हैं कि पावर्स को माइनस 19, नीचे माइनस का 34, तो ऊपर क्या इतना बचेगा? नीचे बचेगा माइनस का 15, ऊपर एक प्लस का 15, तो 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 15, इसको लिखा अपन 8 इंटू, भाई यहाँ पे पॉइंट है ना ये, भाई 8 बाई 10 हो जाएगा ना, 8 बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर 15 हो जाएगा, एक पावर एक जीरो कम हो जाएगी तो कितनी होगी? 10 टू दी पावर 14, सेंटर ऐसा ही करें तो वैल्यू भी किसमें आएगी? ऐसा ही के अंदर ही आएगी। बोलो क्लियर है? हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट रुक लो थोड़ा सा।
अगला, एक मिनट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था 14 का, 15 का ना, राइट डी ब्रोय हाइपोथेसिस। आपको बताया डी ब्रोय हाइपोथेसिस तो क्या होता है, जो आपका पार्टिकल है उसकी भी क्या होती है ड्यूनेचर, किसकी तरह, लाइट की तरह, वो पार्टिकल था ही साथ साथ में जो मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, वेव बन जाएगा, जब हम चलते हैं तो क्या बन जाते हैं, वेव बन जाते हैं, वही बात है यहाँ। तो ये बताना है फिर क्या बोला, ऑब्टेन डी फॉर्मूला फॉर डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज अट्रैक्टेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल वी वोल्ट। यानी आपको डी ब्रोय वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना है, कि इलेक्ट्रॉन उसको वी वोल्ट से क्या किया, त्वरित किया, एक्सेलरेटेड किया है, बात क्लियर है। तो बताओ डी ब्रोय हाइपोथेसिस बता दो। डी ब्रोय हाइपोथेसिस क्या, देखिए डी ब्रोय पर्पस दैट दैट लाइक लाइट, लाइट की तरह, लाइक लाइट एनर्जी मैटर ऑल्सो शुड हैव ड्यूल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल, दोनों इसकी नेचर होती है, ठीक है। द वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज कॉल्ड एज मैटर वेव और डी ब्रोय वेव। जो आपका जो मूविंग पार्टिकल है उसकी जो वेव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। और उसके बाद जो वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोय वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव फॉर ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन बाई लेमडा एच बाई पी। पी क्या होता है, एमवी। पी की जगह क्या होता है भाई, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पी की जगह एमवी चिपका दिया, एनर्जी क्या होती है, हाफ एमवी स्क्वायर। और ये पता होना चाहिए आपको जो मोमेंटम होता है उसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, रूट पी इज इक्वल टू रूट टू एम के बोलते हैं। फॉर्मूला पता है ना, पी इज इक्वल रूट टू एम के, वेयर के इज दी काइनेटिक एनर्जी। तो जो डी ब्रोय वेवलेंथ का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, एच बाई रूट टू एम के, एच बाई रूट टू एम के, बोलो क्लियर, एच बाई रूट टू एम के। मैं एम के मेरा नाम है, ठीक है, महेश कुमार शर्मा, ओके। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को चेंज किस में करना है, वोल्टेज में। देखो पहला फॉर्मूला एच बाई पी, एच बाई एम वी, एच बाई रूट टू एम के। अब के की जगह क्या चिपका दो, तो अपन जगह देखो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो वोल्टेज पटाखा चैप्टर सेकंड से आएगा ये। वी इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, चार्ज इंटू वोल्टेज, और वर्क क्या होती है, एनर्जी। तो एनर्जी यानी के, तो के की जगह क्या लगा दो, क्यूवी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह गए के की जगह, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ईवी, ई लिख सकते हैं ईवी। तो बस के की जगह क्या करना है, ईवी लिखना, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। बट फॉर एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, तो के इज इक्वल टू क्यूवी और के इज ईवी। ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोय वेवलेंथ का फॉर्मूला, एच अपॉन रूट टू एम ईवी, ईवी या क्यू, क्यू को यहाँ पे चार्ज को ई लिख दिया, चार्ज ऑफ ई यहाँ पे क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलो क्लियर है। तो ये आ गया डी ब्रोय वेवलेंथ और इसका इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जो हुआ था ना 12.27, वो कैसा था, एच कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹, और ई कॉन्स्टेंट, सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको ये आंसर मिलता है 12.27/√V, और यहाँ साथ में 10^-10 आता है, और उसको क्या लिख दिया, 10^-10 को एंगस्ट्रॉम लिखा होता है। फॉर्मूला ऐसे यहीं से बनता था, जो अभी अपने किया था ना कि ऊपर न्यूमेरिकल्स के अंदर, जैसे हम नोट्स में पढ़ रहे हैं, थोड़ी के अंदर क्लास में पढ़ाया होगा ना। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर ये इसी का आ गया। देखो क्या है, ए बॉल ऑफ मास 0.12 kg इज मूविंग विद ए स्पीड 20 m/s, कैलकुलेट दी डी ब्रोय वेवलेंथ। आपको क्या निकालना है, इसकी डी ब्रोय वेवलेंथ निकालनी है, और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट आपको गिवन है। तो देखो मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो क्या होगा, डी ब्रोय वेवलेंथ एच बाई पी और एच बाई एम वी। तो एम दे रखा है, वी दे रखा है, स्पीड वेलोसिटी, स्पीड दे रखी है ना, दोनों की वैल्यू, एच की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू पुट करो, और सोल्व करो, और क्या करोगे, सोल्व कर लोगे, हाँ या ना, बात क्लियर है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्या सैंपल पेपर 2024 में भी दिया हुआ है, वहां पे सही डेटा अलग है, बाकी ये क्वेश्चन वहां पे भी दिया हुआ है। तो ये लो क्या हुआ, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो, सोल्व करने पे आंसर आएगा ये। ये तो आप कर ही लोगे ना, गुणा भाग तो, अरे डिवाइड मल्टीप्लीकेशन तो कर लोगे। तो कितना आएगा, 2.76 × 10⁻³⁴ मीटर, बोलो क्लियर। अगर एम वी देखे, लेमडा पूछे, डी ब्रोय वेवलेंथ कोई पार्टिकल के लिए, तो एच बाई एम वी लगा देंगे, बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, ऊपर वाला क्लियर है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, आ जाते हैं क्या बोला, देखियो द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू फॉर टू डिफरेंट मेटल्स, मेटल प्लेट्स पी एंड क्यू आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ द मेटल हैज ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
सॉरी ग्रेटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है, एंड वर्क फंक्शन यानी बात क्या है, आपको ग्राफ दिए है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो पता ही होगा आपको, अभी बता रहा हूं मैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये एक मेटल पी के लिए और एक मेटल क्यू के लिए, तो देखो सीधी सी बात है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या होगा न्यू नोट और ये होगा न्यू नोट, ठीक है। वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन होता है फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट होता है, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे मेटल क्यू का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। अब आते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर, तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो सी बाई न्यू होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताया था अभी आपको। अब देखिए मेटल क्यू की अगर इसको मैं लेमडा नॉट के फॉर्म में लिखूं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, क्यू की ज्यादा है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम। अपने ग्रेटर बताना है, देखिए मेटल पी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो मेटल भाई ये कम है तो मेटल पी की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, बात क्लियर है। तो क्यू का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा और पी की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यू की ज्यादा है, वेवलेंथ किससे ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात नहीं चली कि दे दिए मेटल क्यू हैज ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन बिकॉज इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन मेटल पी, ए बता दिया ऐसा होता है, एंड मेटल पी हैज ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये बात मैंने यहाँ पे बता रखी है, बोलो क्लियर है, ओके क्लियर। अगला, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ग्राफ पर आपका तो अपन उड़ा देंगे, आएगा तो भाई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्या, नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल गिवन है, इसका आपको सीधा फॉर्मूला बता देंगे, क्या बोला था, ए मोनोक्रोमेटिक एंड सिंगल कलर, मोनो कलर मतलब सिंगल कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10^14 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इज इमिटिंग एनर्जी एट द रेट 2 × एट द रेट कितनी, 2 × 10^3 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या होता है, पावर, ये पावर गिवन है, एनर्जी नहीं है पावर है, जूल पर सेकेंड, बात क्लियर है, बात क्लियर। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोटेंशियल, सॉरी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द सोर्स, यानी आप क्या निकालना है, इस सोर्स से कितने फोटोन पर सेकेंड से फुर 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 बाहर निकल रहे हैं, वो बताना आपको, हाँ या ना, कितने फोटोन बाहर, जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है इससे कितने फोटोन बाहर निकल रहे हैं वो बताना है, हाँ या ना। एक फॉर्मूला लगा दो सीधा आप, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी इज इक्वल टू एनी, वेर पी पावर, ई क्या होती है एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, और अगर आपको वेवलेंथ गिवन है तो एनर्जी क्या होती है एस सी बाई लेमडा, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये लगा दो फॉर्मूला, अब दो गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड पी इज इक्वल टू एनई से आ रहा है, पी इज इक्वल टू एनई से, एनई क्या हो जाएगा पी बाई ई, ई एनर्जी जो एच न्यू हो जाएगा, पी की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, न्यू की वैल्यू पुट करो, और क्या करो, और तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा भाई साहब सॉल्व, तो कितना आएगा ये आफ्टर सॉल्विंग 5 × 10^15 फोटोन पर सेकेंड आंसर आपका को मिल जाएगा, बोलो क्लियर है, हो गया आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से। देखो क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, देखो आप पिछले 11 साल इतिहास बता दिया, अभी 10 साल तो दिखा दिया, वही क्वेश्चन मतलब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होंगे और ऐसे आगे भी होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, बोर्ड अब आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर क्या बोला है, डिफाइन द फॉलोइंग इन फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल इसको बोलते हैं, कर लिया 2023 के अंदर। आगे कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, अब क्या पूछा है, वेवलेंथ दे दी और क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ, वो सॉरी एनर्जी पूछा, तभी तो बता रहा था, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है एच न्यू होती है, एच प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ गिवन है तो न्यू की जगह सी बाई लेमडा लगा देते हैं, याद ही हो गया ना, आप फोटोन की एनर्जी याद ही कर लो, क्या होती है इज इक्वल टू एच न्यू या एस सी बाई लेमडा, भूल भी जाओ तो न्यू होता है सी बाई लेमडा, कैसे एच न्यू एस सी बाई लेमडा, तो न्यू की जगह क्या आ रहा है सी बाई लेमडा ही तो आ रहा है, हाँ या ना, तो यहाँ पे एस सी बाई लेमडा, तो एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो और लेमडा की वैल्यू पुट करो, लेकिन ध्यान है लेमडा
इसमें की वन एंगस्ट्रो में ऊपर आप वैल्यू एसआई में पुट करोगे तो इसको भी एसआई में चेंज कर लेना। तो एक एंगस्ट्रो में कितने मीटर होते हैं? 10^-10 मीटर, यानी एंगस्ट्रोम को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10^-10^-10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी सोल्व कर लो तो ये आंसर आपको तो जूल मिल गया। लेकिन जनरली अपन एनर्जी किसमें रख के आते हैं, फोटोन वगैरह की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे जूल में आंसर आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज कर दिया तो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन चार्ज का भाग लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। तो सोल्व कर लो ये आएगा कितना, 3.75 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10³ क्या बोल सकते हैं, किलो बोल सकते हैं। तो ये इसकी एनर्जी कितनी आएगी, 3.75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना, क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो बोर्ड का फेवरेट वाला है, देखो क्या बोला है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा पिछले साल, 1, 3, 4 बार पूछ लिया ना, एक तो 23 में, 22 में, 19 में, और ये फिर पूछ लिया पिछले 11 साल में 4 बार। तो क्या बोला था, कैलकुलेट डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट। किया है, डेटा चेंज किया है बस, और इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है। किसकी बोला, देखिए इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होती है, 12/27√V। अब देखो यहाँ पे यानी वी की वैल्यू ऐसे देखता है, परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या देगा, परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा। तो √400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 20। अब डिवाइड लगा दो, इसको मैंने 20 2 × 10 कर दिया, पहले 2 से डिवाइड कर दिया, 6.135, 10 से डिवाइड और लगा दो तो 0.6135 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर रह गया बस। और तो भाई फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करके सोल्व तो करना, और क्या करना है। बोलो क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन हो गए पिछले 11 साल के PYQ चैप्टर नंबर 11 के, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के। कैसा लगा, अच्छा लगा? सारे क्वेश्चन हो गए ठीक है कि नहीं? अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप ₹11 फोन पे करने पड़ेंगे। मेरा फोन पे नंबर है 8058726548, और फोन पे करके आप स्क्रीनशॉट भेजोगे व्हाट्सएप नंबर है 8949327374 के ऊपर, तो मैं आपकी PDF, इसको मैं ये PDF आपको दे दूंगा ठीक है। और कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फोन पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। भाई अच्छा कंटेंट है, पिछले 11 साल के PYQ करवा रहा हूँ तो अच्छा ही कंटेंट है। पूरा पोस्टमार्टम हो गया पिछले 11 साल, इतिहास हिस्ट्री आपको बोर्ड की पता चली, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किसके आसपास क्वेश्चन ज्यादा घूमते हैं ठीक है। मेहनत कर रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर करना आपका धर्म है, उद्देश्य है ना, शेयर कीजिए। और क्या अच्छी बात है, कंटेंट लोगों के साथ पहुंचाई बात ही है, सबका भला होगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।